Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पूरे देश में दशहरा मनाया जाता है। रामायण के अनुसार राम ने रावण का संहार किया था, इसी वजह से इस दिन को दशहरे के रूप में मनाया जाता है। यह बात तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा आप रावण और उसके परिवार के बारे में कितना जानते हैं? दशमुख रावण एक ब्राह्मण था और भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त भी था। वीणा का आविष्कार रावण ने ही किया था और वो इसमें पारंगत भी था। मेरठ स्थित बिलेश्वरनाथ संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य पंडित चिंतामणि जोशी की माने तो रावण के लिए 10 से 6 शास्त्रों और 4 वेदों के प्रतीक थे, इसलिए ब्रह्मा ने रावण को प्रकांड पंडित की उपाधि दी थी। रावण ऋषि विश्रवा का पुत्र था, जिनकी पहले से एक पत्नी थी। इसका मतलब रावण के 2 माँ थी, एक सगी और एक सौतेली। लेकिन इसके अलावा भी रावण के परिवार के बारे में कोई भी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आप जानकर भी हैरान रह जाएंगे। वैसे तो रावण के 2 भाइयों और एक बहन के बारे में सब जानते हैं, जिनका नाम कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा है। लेकिन रावण के 5 और भाई बहन थे, जिनके बारे में लोग काफ़ी कम जानते हैं। रावण के 6 भाई थे, विभीषण, कुंभकर्ण के अलावा कुबेर, अहिरावण, खर और दूषण भी रावण के भाई थे। साथ ही शूर्पणखा के अलावा रावण की एक और बहन भी थी, जिसका नाम कुंभिनी था। कुंभिनी मथुरा के राजा मधु राक्षस की पत्नी थी और राक्षस लौड़ासुर का माखर, दूषण, कुंभनी, अहिरावण और कुबेर सगे भाई बहन नहीं थे। रावण की एक पत्नी के बारे में सभी लोग जानते हैं, जिनका नाम है मंदोदरी, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत में रावण की 3 पत्नियां थी। पहली का नाम मंदोदरी था, जो कि राक्षस राय मयसूर की पुत्री थी और राजरानी थी। उनकी दूसरी पत्नी का नाम दम्या मालिनी था और तीसरी का नाम कहीं भी उल्लेखित नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि रावण ने ही उसकी हत्या की थी। उसकी तीसरी से रावण को 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। रावण की पत्नी दम्या मालिनी के बारे में कहा जाता है कि जब रावण सीता का स्वयंवर नहीं जीत पाया तो उसे रावण पर फिदा होकर अपना यवन सौंपना चाहा था, लेकिन रावण ने उसका आमंत्रण ठुकरा दिया था। बाद में रावण ने दम्या मालिनी से विवाह किया था। इंद्रजीत के अलावा और 6 पुत्र थे। अगर रावण के बच्चों की बात करें तो मेघनाथ का नाम ही सबसे पहले जाता है, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है। इसके बाद अक्षय कुमार उनका दूसरा पुत्र था। ये दोनों ही मंदोदरी के गर्भ से जन्मे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। रावण की 2 और पत्नियों के उनके 5 पुत्र और थे, जिनके बारे में न तो ज़्यादा कहा गया है और ना ही ज़्यादा सुना गया है। रावण की दूसरी पत्नी दम्य मालिनी से अतिक्या और त्रिशिरार नामक के 2 पुत्र थे। तीसरी पत्नी से 3 पुत्र थे, जिनका नाम प्रशस्त, नरंतका और देवतका था। हालांकि ये तीसरी पत्नी से ही इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन इन तीनों के रावण के पुत्र होने का वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख किया गया है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।